संस्कृत में घृत कुमारी, इजिप्ट में जिसे प्लांट ऑफ इमोर्टैलिटी कहा जाता है, और इंडिया में ग्वारपाठा, और आप लोग जिसे एलोवेरा के नाम से जानते हैं। चरक संहिता भरी हुई है एलोवेरा के यूजेस से। अगर आप लोगों को आज एग्जैक्टली सारे प्रूफ्स के साथ पता चल जाए कि एलोवेरा 100 times बेटर है एलोपैथी से, और अंग्रेजी दवाइयाँ आयुर्वेद का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकती, तो क्या आप लोग एलोवेरा का सेवन शुरू करेंगे? नहीं। आप में से फिर भी कुछ लोग उसके बावजूद भी एलोपैथी ही लेंगे, क्योंकि ये सोच है कि जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं जिसको सिर्फ अभी 200 साल ही हुए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल, एडवांस्ड और साइंटिफिक तरीके से बनती है। लेकिन ये भ्रम है आपका। अगले 8 मिनट आपकी ज़िंदगी के सबसे कीमती मिनट है। ये सोचकर मेरी आवाज़ सुनना, और मेरी बातें सही लगे तो अपने दोस्तों को भी समझाना। टोटल 4 पॉइंट्स हैं, तो चलिए सरल सी भाषा में शुरू करते हैं ये ऑसम वीडियो। पहला पॉइंट, सबसे पहले एलोवेरा कितनी ज़बरदस्त चीज़ है और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है ये जान लेते हैं। एलोवेरा स्किन को हाइड्रेटेड रखती है, जिस कारण आपके चेहरे पर रिंकल्स नहीं पड़ने देती। एक्ने या पिंपल्स है तो रामबाण है। सोरियोसिस, डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, और तो और सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करती है एलोवेरा। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसमें विटामिन बी, सी, ई, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, जिंक, मैंगनीज, मैग्नीशियम, क्रोमियम, सेलेनियम और भी बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और आप सब वीगन्स के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि इसमें विटामिन B12 होता है। रुको, तो ये जो मैंने आपको विटामिन मिनरल्स बताए हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एलोवेरा हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर के लिए बेहतरीन है। डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे कि IBS, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, जिसका एलोपैथी में कोई इलाज ही नहीं है, इसके लिए भी परफेक्ट है। डैंड्रफ, जिसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, इसके लिए भी परफेक्ट है। अब आप ये लिस्ट देखिए, अगर आपको इनमें से कोई भी इशू है तो आप भी एलोवेरा लेना जल्द से जल्द शुरू करें। कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, बर्न्स, वूंड्स, ओरल डेंटिस्ट्री और माउथ हेल्थ, डायबिटीज, हेयर से रिलेटेड इश्यूज़ जैसे कि डैंड्रफ, हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, हेयर वाइटनिंग, कैंसर, गैंग्रीन, ईयर पेन या फिर ईयर में वैक्स ज़्यादा बनती है। और एलोवेरा एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल भी है, और ये 50 से ज़्यादा बीमारियों को ठीक करने की अपने अंदर शक्ति समेटे हुए है। दूसरा पॉइंट, अभी आप लाइव प्रूफ अपनी आँखों के सामने देखिए इस शॉकिंग कंपेरिजन में, और आप हैरान रह जाओगे कि आज तक ये बातें सबसे कैसे छुपी हुई थी। अगर किसी को सेकेंड डिग्री बर्न होता है तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट यूज़ की जाती है, यानी कि जो क्रीम डॉक्टर आपके लगाएगा जली हुई जगह पर, उसका नाम है 1% सिल्वर सल्फाडाइजीन, 1% SSD। अब इस सिल्वर सल्फाडाइजीन का कंपेरिजन करते हैं एलोवेरा से। सबसे पहले ये रिसर्च देखते हैं जो पब्लिश हुई थी ईरानियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में। इसका नाम है वूंड हीलिंग एंड टॉक्सिसिटी इवैल्यूएशन ऑफ एलोवेरा क्रीम फॉर सेकेंड डिग्री बर्न। तो सिंपल से शब्दों में समझते हैं कि इस रिसर्च का नतीजा क्या निकला। ये रिसर्च 30 पेशेंट्स पर की गई, और ये 30 पेशेंट्स कुछ ऐसे थे जिसमें हर इंसान के दोनों हाथों पर सेकेंड डिग्री बर्न था। यानी कि 30 ऐसे लोगों को ढूंढा गया जिनके दोनों हाथ जले हुए थे। अब ये जो पेशेंट्स थे इनके एक हाथ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली क्रीम SSD लगाई गई, और दूसरे हाथ पर एलोवेरा लगाई गई। सिंपल, समझ गए? और इन सब के हैरतअंगेज रिजल्ट्स आए। 3 दिन बाद जिस हाथ को एलोवेरा से ट्रीट किया जा रहा था वो 14 गुना ज़्यादा तेज़ी से रिकवर हो रहा था SSD के मुकाबले। दोस्तों 14 गुना बोला है मैंने, आप सोच के देखो कितना ज़्यादा होता है ये। 20 लोगों के एलोवेरा वाले हाथ 10 दिन के अंदर अंदर पूरी तरह सही हो गए थे, और बचे हुए लोगों के एलोवेरा वाले हाथ 18 दिन के अंदर अंदर पूरी तरह सही हो गए। यानी कि एलोवेरा वाले हाथ हर पेशेंट का 18 दिन के अंदर अंदर सही हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ जिन हाथों पर SSD लगाई गई थी उन पेशेंट्स के SSD वाले हाथों को 42 दिन लगे पूरी तरह सही होने में, और फिर भी 7 हाथ इन्फेक्टेड ही रह गए। तो आपने देखा कितना बड़ा डिफरेंस है। एलोवेरा वाले हाथ सब लोगों के 18 दिन में सही हो गए, और SSD वाले हाथ सब लोगों के 42 दिन में सही हुए,
और उसके बावजूद 7 इन्फेक्टेड लोगों को डर्मल ग्राफ्ट कराना पड़ा। और इस रिसर्च में जो रिजल्ट आया वो साफ साफ सारे डॉक्टर्स ने लिखा कि हम सजेस्ट करते हैं कि दिस हर्बल मेडिसिन बी यूज इंस्टेड ऑफ SSG एटलीस्ट फॉर फर्स्ट फ्यू डेज। और दोस्तों ये तो एक रिसर्च के बारे में हमने बताया जिसमें 30 लोग थे, और ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज हैं। आप ये स्टडी पढ़ेंगे जो 2019 में पब्लिश हुई थी, इसमें 1990 से लेकर 2016 तक लगभग सारे बड़े बड़े एलोवेरा के क्लिनिकल ट्रायल्स को इकट्ठा करके रिव्यू किया गया। तो ये बात सामने आई कि अधिकतर ट्रायल्स का यही नतीजा था कि एलोवेरा बहुत ज़्यादा बेटर है SSG से। ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने कि कितनी हैरानी की बात है कि हम लोगों को अंग्रेजी दवाइयों पर कितना ज़्यादा विश्वास ज़बरदस्ती कराया जाता है, जबकि लगभग हर जगह नेचुरल दवाइयाँ और आयुर्वेद एलोपैथी से कई गुना बेहतर साबित हो रहे हैं। और चीज़ें खंगाल के एक एक करके हम आपके सामने सारे सबूतों के साथ इस अंग्रेजी दवाइयों की दुनिया का पर्दाफाश कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों की इतनी मार्केटिंग की वजह से आयुर्वेद का ज्ञान छुप गया था। और ये तो सिर्फ आपको बर्न का एग्जाम्पल देकर हमने बताया, ऐसे ही शॉकिंग नतीजे कैंसर के इलाज में निकले, डायबिटीज़ के इलाज में निकले, सोरियोसिस के इलाज में निकले। लेकिन ये नतीजे निकले तो सही लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाए, और आपको विश्वास होने लगा एलोपैथी नाम के अंधविश्वास पर। तीसरा पॉइंट, अब चलते एक दहशत भरी दुनिया में, साइड इफ़ेक्ट्स की दुनिया में, जिसे सुनने के बाद आप अपना सर पकड़ लेंगे। अब इस सिल्वर सल्फाडाइजीन के साइड इफ़ेक्ट्स को कंपेयर करते हैं एलोवेरा से। तो सबसे पहले SSG के साइड इफ़ेक्ट सुनिए, इन्फेक्शन, एनीमिया, किडनी प्रॉब्लम्स तक हो सकती है SSG के यूज़ से, और लीवर प्रॉब्लम्स हो सकती है। इतनी गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं, हालांकि ये होते कम हैं, लेकिन अगर हो गए तो जिम्मेदारी किसी डॉक्टर की नहीं होगी, वो आपकी जिम्मेदारी मानी जाएगी। और तो दोस्तों आप वेबमेड का ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा है कि प्रेगनेंसी के दौरान इसको यूज़ नहीं करना है, और बहुत ज़रूरत हो सिर्फ तभी यूज़ करना है, और अगर डिलीवरी डेट्स आसपास हैं तब तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। और आखिरी और सबसे अजीब साइड इफ़ेक्ट ये लिखा हुआ है कि अगर इसकी जैसी दवाई किसी ब्रेस्ट फीडिंग मदर को लगाई जाती है तो वो दवाई खून में मिलकर दूध के ज़रिए बच्चे तक पहुंच जाती है, जिसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं बच्चे पर। और आखिरी लाइन ध्यान से देखिएगा, क्या SSG के साइड इफ़ेक्ट की चेकिंग हुई है? जवाब है किसी को नहीं पता। और ये साइड इफ़ेक्ट्स तब हो रहे हैं जब एक खाने की गोली नहीं सिर्फ एक क्रीम है जो आपके त्वचा पर लगनी है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एलोपैथी की जो खाने वाली गोलियां होती हैं अलग अलग बीमारियों की, वो अपने साथ कितने अजीब अजीब साइड इफ़ेक्ट से भरी हुई होंगी। आपको कभी जीवन में समय मिले तो आप गैरी नल की किताब डेथ बाय मेडिसिन हर हाल में पढ़ना, अंग्रेजी दवाइयों की हकीकत जानना चाहते हैं तो। अब एलोवेरा के साइड इफ़ेक्ट सुनते हैं। ये तो हम सारे सबूतों के साथ देख चुके हैं कि एलोवेरा बहुत ज़्यादा बेटर है SSG से, तो अब एलोवेरा के साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। आपके बाल सुंदर हो जाएंगे, आपकी त्वचा निखर जाएगी, आपका लिवर हेल्दी हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, और बाकी सब हम फर्स्ट पॉइंट में आपको बता चुके हैं। फोर्थ और लास्ट पॉइंट, आज आपने सारे सबूतों के साथ देखा कि अगर आपको फर्स्ट या सेकेंड डिग्री बर्न है तो एलोवेरा कितनी ज़्यादा बेटर है एलोपैथी के मुकाबले, आपको ये बात पता चल गई। लेकिन हमारे देश में अभी भी काफ़ी लोगों को ये लगता है कि अगर हाथ पैर जल जाए तो एलोपैथी ट्रीटमेंट ज़्यादा बेटर है। इसका क्या कारण है? लोगों को सच क्यों नहीं पता चल पा रहा? इसका कारण है एलोपैथी की मार्केटिंग, और दूसरा हमारे देश की सरकार खुद से एलोवेरा पर, आंवला पर ये ट्रायल्स कंडक्ट ही नहीं करती। और अंग्रेज़ लोग इतने पागल तो नहीं है कि वो लोग ट्रायल्स कंडक्ट करके बोलेंगे कि लो भाइयों ये लो एलोवेरा खा लो, आंवला खा लो, गिलोय खा लो, तो वो ट्रायल्स करने के बावजूद आप लोगों तक नतीजे कभी नहीं पहुंचने देंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग चरक संहिता ज़रूर खरीदें, और कम से कम उसके 1-2 पेजेस रोज़ हर हाल में पढ़ें, सिर्फ 1-2 पेजेस रोज़ पढ़ें, और ये बातें ये ज्ञान सब तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये आपकी भी जिम्मेदारी है सच्चाई सबके सामने लाना। दोस्तों अब इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि अलग अलग बीमारियों के लिए एलोवेरा का सेवन किस तरीके से करना है, क्योंकि 50 से ज़्यादा बीमारियों में इस्तेमाल होता है, कैंसर से लेकर डैंड्रफ तक, और जानेंगे कि क्या आप इसे अपने घर पर उगा सकते हैं। राजीव दीक्षित जी एलोवेरा पर क्या कहते थे
ये सारी बातें सेकंड पार्ट में। तो ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये ज़रूरी जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारी पूरी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। हम सबको बहुत सहयोग मिलता है और मोटिवेशन मिलती है। अगर आप या आपका कोई भी चाहने वाला स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से जूझ रहा है, या फिर आप अगर ध्यान की दुनिया का स्वाद चखना चाहते हैं, तो आप द ओनली वन कम्यून की मेडिटेशन ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आ रही है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो जल्द मिलते हैं, तब तक आप इन वीडियोस को देख के अपनी जानकारी बढ़ाएं और अपने परिवार का ध्यान रखें। किसी और के भरोसे ना रहें। धन्यवाद।